बीजेपी जीत का जश्न मना रही है तो त्रिपुरा में हार के बाद कांग्रेस और लेफ्ट में रार मच गई है, लेकिन सारा फॉर्मूला फेल हो गया। कांग्रेस और लेफ्ट त्रिपुरा की सत्ता चाहती थी, लिहाजा सिद्धांत विचारधारा को दरकिनार करके लेफ्ट और कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्री पोल अलायंस किया। टारगेट सिर्फ एक, मोदी हटाओ, नतीजा सबके सामने है। गठबंधन चुनाव में फेल हो गया। अब दोनों पार्टियां हार की अलग अलग वजह गिना रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि लेफ्ट की वजह से हार हुई, तो लेफ्ट का दावा है कि हार की वजह टिपरा मोथा पार्टी है जिसने चुनाव में वोट काट लिया। Results will come finally. Let us see where we will get some majority and where we will not be not able to form the government. अब सवाल ये है कि जिस टिपरा मोथा पार्टी पर लेफ्ट वोट काटने का इल्जाम लगा रही है, क्या वाकई में उसने वोट काटे? लेफ्ट ये इल्जाम क्यों लगा रही है, पहले उसे समझिए। टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा 2019 तक कांग्रेस में ही थे, मतलब कांग्रेस ने यहां भी वही गलती की जो असम में की थी। राहुल की पार्टी एक खानदानी कांग्रेसी नेता को बचाकर रख नहीं पाई। प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा की जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हैं। कीर्ति विक्रम किशोर देव वर्मा के इकलौते बेटे हैं प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा। राजशाही परंपरा खत्म होने के बाद महाराजा कीर्ति विक्रम किशोर देव वर्मा भी राजनीति में उतर आए थे, कांग्रेस से जुड़े और 3 बार सांसद चुने गए। उनकी पत्नी महारानी बिहूबी कुमारी देवी भी कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधायक चुनी गई थी। वो त्रिपुरा सरकार में मंत्री भी रही। युवावस्था में ही प्रद्योत देव वर्मा ने भी राजनीति में कदम रख दिया था, कांग्रेस चुनाव मोर्चा से जुड़ गए और त्रिपुरा में आदिवासी वर्ग के लिए आवाज उठाने लगे। वो त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन 2019 में प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जताते हुए कांग्रेस अगर प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा के साथ गठबंधन करती तो आज उसके पास बड़ा नेता होता, त्रिपुरा में एक मजबूत पार्टी का साथ होता। प्रद्योत देव वर्मा ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई। वो टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष है, त्रिपुरा के 1/3 आदिवासी वोटर पर पकड़, आदिवासी बहुल 20 सीटों पर जबरदस्त पकड़, त्रिपुरालैंड नाम से अलग राज्य की मांग करते हैं। प्रद्योत के विरोधी कहते हैं कि टिपरा मोथा पार्टी ने आदिवासी सेंटिमेंट को भुनाया। ये आरोप लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि राजनीति सेंटिमेंट को भुनाने का ही दूसरा नाम है। प्रद्योत ये कर पाए, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता नहीं कर पाए। रिजल्ट के बाद त्रिपुरा से जो बड़ी पिक्चर निकली है उसे समझिए। मोदी की पार्टी के वोट इंटैक्ट है, मोदी की पार्टी की सीटें इंटैक्ट है, मोदी के लिए पब्लिक का सपोर्ट इंटैक्ट है, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार इंटैक्ट है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेघालय में बीजेपी सरकार एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ दोनों पार्टियों ने ही पीपल अलायंस नहीं किया, दोनों चुनाव में अलग अलग लड़ी। मेघालय की सभी 60 सीटों पर अपने दम पर लड़ने के पीछे बीजेपी की मंशा अपनी ताकत बढ़ाना था। त्रिपुरा और नागालैंड की तरह मेघालय में बीजेपी अपने दम पर मजबूत होना चाहती है, जिससे आने वाले चुनाव में मेघालय में भी बीजेपी का अपना सीएम हो। वेरी थैंकफुल टू देम। And of course, we are short a few numbers, so we will just wait for the final results to come out.
and then we'll decide how to move forward. Let's just see. I have not even got a chance to even meet my people, so all the thinking will start after that. Sir, all options are open, sir. Yeah, we'll see. Well, when the time comes. बीजेपी के लिए ये चुनाव 2018 की तरह टेस्टिंग ग्राउंड था, लेकिन कांग्रेस के साथ तो 2018 से जो खेला होना शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी रहा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी थी, 18 सीट जीती थी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी। फिर 2021 में मुकुल संगमा की अगुवाई में 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी 2018 के विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन 2023 के चुनाव में टीएमसी कांग्रेस के विधायकों को पहले अपने पाले में लाई और अब मेघालय में टीएमसी शून्य से कांग्रेस के बराबर पहुंच गई, तो वहीं कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई। मतलब कांग्रेस अपने विधायकों को, अपने नेताओं को अपने पाले में नहीं रख पाती। कांग्रेस के साथ ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है, और कांग्रेस को हर राज्य में, हर चुनाव में बीजेपी के साथ साथ अपने पुराने नेताओं की वजह से भी मुंह की खानी पड़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।